बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, गर्मियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आपके जिगर को भी ठंडा रखेगी और आपके तमाम जिस्म के जो एनर्जी है उसको दोबारा से रिचार्ज करेगी। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। हम आड़ू का आज जूस बनाने लगे हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से। सबसे पहले हम इसके जो है छिलके उतार के इसको काट लेते हैं। काट के तो इसको हमने तकरीबन 3 जो है वो आलू डाले हैं बड़े साइज़ के। इसके हम 3 गिलास ही जो है वो बनाएंगे। ये रंग के लिए भी बहुत अच्छा है, कलर इससे बहुत फेयर होता है। अगर दाने हैं फेस पे या अगर कोई भी ऐसी आपके अंदर गर्मी है तो इससे इसकी गर्मी जो है टोटली रिमूव हो जाती है। तो बहुत ही सेहत के लिए एक अच्छा तोहफा है गर्मियों का। तो अब हम इसको डालते हैं ग्राइंडर में। हम सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं 2 गिलास। आड़ू थोड़ा खट्टा होता है, इसमें हम शुगर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप। आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसमें शुगर कम ही डालें। अब सारे आड़ू जो है इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह, इसमें कोई ऐसा कलर नहीं, हमने फूड कलर नहीं डाला, एक जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन साफ़ सुथरी। तो और एकदम से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो कैसी लगी ये आपको, बहुत ही चटपट बनने वाली रेसिपी कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको रेसिपी पसंद आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।